नमस्कार, माय नेम इज रिया मंडल. आई बिलोंग टू कोलकाता, बट बेसिकली आई एम अ नोमैड पर्सन. मुझे बहुत सारी जगह पे जाना पड़ता है मेरी काम के वजह से. सो मेरा फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है, आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड आई हैव अ लॉट्स ऑफ टेस्टिमनीज टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, बट वन ऑफ देम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर राइट नाउ, एंड दैट्स वेरी you know very remarkable. It is regarding my mom's health. Actually मेरी मम्मी का तबीयत उतना ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, उसका पेन वगैरह रहता ही है शरीर में. तो मैंने अहमदाबाद में जॉब करती थी, अहमदाबाद में जॉब के वेकेशन में उस टाइम में हमें वेकेशन मिला था, तो आई केम डाउन टू कोलकाता. After few days, she got a severe pain in her lower abdomen. वो पेट के नीचे थोड़ा बहुत उसका पेन स्टार्ट हो गया था, और वो डॉक्टर ऑलरेडी दिखाती है ऐसा है. तो उसका पेन बढ़ गया, तो उसको लगा था कि उसको डॉक्टर दिखाने, she needs to go for doctor, जिसको वो दिखाती है. तो वो विजिट चेकअप, रूटीन चेकअप के लिए गई थी, मैं भी उनके साथ गई थी. उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए, वो हम लोग डॉक्टर के पास गए, और वो डॉक्टर बहुत फेमस है, बेस्ट नोन है इन आर लोकेलिटी. आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम राइट हियर. तो पेन देखा इधर उधर, मम्मी को पूछने लगी वेट क्यों नहीं कम हो रही है, बिकॉज उसका हेल्थ इश्यू रहता है, उसका वेट भी थोड़ा सा सही नहीं है जितना होना चाहिए. तो व्हेन ही वाज टचिंग माय मॉम्स लोअर पोर्शन ऑफ हर स्टोमैक, उधर उनको कुछ फील होने लगा, कुछ है उसमें. देन वो दोनों की जगह पे बैठ गए, वो एक बेड पे थी, उस बेड पे उनको ऐसा फील हो रहा था. तो वो कंटिन्यूसली यही बोल जा रहा था कि पेट के अंदर कुछ है, कुछ ना कुछ तो है. तो और उसके बाद मम्मी ने बोला हाँ वेट कैसा है, पहले वाला जो डिजीज था वो कैसा है. तो वो बोला वो तो सही है, वेट तो कमाना पड़ेगा, बट आई थिंक देयर इज अ ट्यूमर इन योर लोअर एब्डोमेन. तो ऑब्वियसली वो बहुत डर गई, एंड शी स्टार्टेड पैनिकिंग बिकॉज इट इज अबाउट हर हेल्थ, एंड ऑब्वियसली ट्यूमर के बारे में कोई भी बात करेगा तो पैनिक तो होगा स्टार्टिंग में, चीज़ अच्छा लगता है. तो मैं जब रास्ते पे आ रही थी, वो इतना ज़्यादा, मेरी मम्मी इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी, वो सीधा उसके मायके पे चली गई थी, और दैट वॉज नॉट सो प्री प्लान्ड, उसको मायके जाना नहीं था. इतना डर गई थी कि मायके गई थी, उसकी मम्मी के साथ बात कर रही थी, आई मीन माई नानी. तो घर में आ गई, घर में आके भी बहुत पैनिक कर रही थी, बट आई वॉज रियली मच कूल, आई वॉज नॉट फीलिंग एनी थिंग कि मेरी मम्मी के साथ कुछ होगा. मेरी मम्मी अचानक मुझे बोलने लगी एक दिन, उसको टेस्ट दिया था कि टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो डॉक्टर ने बोला था 3 दिन में टेस्ट करो आ जाओ, 3 दिन विद इन 3 डेज. वो मुझे ऐसे पूछी है, तेरी मम्मी मर जाएगी तो तुझे फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैंने बोला था ऐसे करके कि नो नॉट एट ऑल, बिकॉज आई नो यू विल बी क्योर्ड, एंड देर इज नथिंग इन योर स्टमक, आई नो इट वेरी वेल, देर इज नो ट्यूमर समथिंग लाइक. तो मम्मी ने ऐसे बोलने लगी, बिकॉज वो डॉक्टर इतना फेमस था, वो जो बोलता था वही होता था, उसका वो जो हिंट मिलता था उनको, उनका सच में वो सही होता था, कभी भी गलत नहीं होता था उनका हिंट. तो वो बिलीव करने लगी उनको. तो मैंने उनको बोला आई डोंट बिलीव इन हीज वर्ड, आई मीन डॉक्टर्स वर्ड, मैं बिलीव किसी और को करती हूँ, और उनके हाथों में मेरी और मेरी फैमिली का लाइफ मैंने दिया है, तो मुझे पता है वो कभी भी कुछ नहीं करेगा. पर अंदर ही अंदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे, क्योंकि वो गई थी टेस्ट करवाने. एंड उसके रात में, राइट उस रात में मैं थोड़ा सा पैनिक होने लगा थोड़ा बहुत मुझे, और मैंने चेक करने लगी
कि किसी का ट्यूमर हुआ था और कैंसर हुआ था, वो ठीक हुआ थे कि नहीं बाय जीसस। तो यूट्यूब में मैंने देखा और मुझे एक लिंक अचानक से पॉडकास्ट आया, वो आता रहता है ना यूट्यूब में, फर्स्ट जो आया था मैंने वो देखा। और फर्स्ट जो चैनल था वो अभेश तेजपाल जी का चैनल था। उधर एक बच्चा वो पूरा बेड रिडन हो गया था, उसको वो एकदम ही चल नहीं पा रहा था, डॉक्टर उसको बोल ही दिया था कि विद इन 3 डेज ही वुड डाई। पर वो अभेश तेजपाल जी के पास गए एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग, वो नॉट ओनली वॉक, वो चल दौड़ने लगा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह अच्छा है, और नंबर भी आया था। तो तुरंत तुरंत मुझे ऐसा फील हुआ था कि रिया मंडल अभी तो तुम्हारे हाथ की खेल नहीं है, अभी जो करना होगा तुम्हें प्रेयर करवाना पड़ेगा किसी से, कोई फादर और पास्टर से, बिकॉज दे आर मोर फेवरेट टू गॉड। तो मैंने जल्दी स्क्रीनशॉट लिया अभेश तेजपाल जी का नंबर एंड तुरंत नेक्स्ट डे, बिकॉज रात में देख रही थी, नेक्स्ट डे मैंने कॉल लगाया एंड तो उस टाइम मैंने कॉल लगाया और उस जब मैंने उनको कॉल लगाया मेरी वॉइस पे थोड़ा बहुत पता चल रहा था कि हाँ मुझे इफेक्ट कर रहा है। मेरी मम्मी को बेस्ट नोन डॉक्टर ने बोला है उनकी पेट में ट्यूमर है, और वो ऐसे बोल रहा था कि सच में बहुत मैलिग्नेंट है, मेरी मम्मी बचेगी नहीं। तो मैंने कॉल लगा के, मेरी वॉइस कांप रहा था, मैंने उनको कॉल लगा के बोला मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, वो ट्यूमर है उसमें बोला है डॉक्टर ने, डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ जल्दी से प्रे करवा दो मेरी मम्मी के लिए, प्लीज़ हेल्प कर दो मुझे थोड़ा सा। उन्होंने सच में मुझे अभी तेजपाल जी कभी भी मुझे अभी तक मैं उनके साथ टच में हूँ, कभी भी मुझे अभी तक फील नहीं करवाता है कि मैं स्ट्रेंजर हूँ। अभी तो वो मुझे जानते हैं, पर उस दिन मुझे फील नहीं करवाए थे कि मैं स्ट्रेंजर हूँ। इतने अच्छे से मेरे लिए प्रेयर किए, इतने अच्छे से जीसस के पास उन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना किया। और देन मुझे बोले कि रिपोर्ट आने के बाद मुझे बोल देना क्या हो रहा है। तो मुझे तो बिलीव है कि काम तो हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जीसस के बहुत ज़्यादा फेवरेट से मैंने प्रेयर किया, मेरे मम्मी के लिए मैंने प्रेयर करवाई, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, तो मेरी मम्मी ने रिपोर्ट लाई है, लाया के स्माइल करके कि बेटी सच में जीसस है, जीसस सच में है, सच में उन्होंने चमत्कार कर दिया, मेरे पेट में ट्यूमर नहीं है, रिपोर्ट में पॉजिटिव था। मैंने तुरंत उनको कॉल लगाया और थैंक यू बोला कि हाँ आपकी वजह से मेरा हुआ, ऑब्वियसली इट इज़ प्रूवन, उनके प्रेयर की वजह से ही हुआ था ये चीज़। ओके, अभी तो रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने डॉक्टर के पास गए, बिलीव मी मेरे वो जो डॉक्टर थे अभी भी टच, उस टाइम भी टच करके बोल रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपके पेट में अभी भी ट्यूमर है, आप किसी और जगह पे जाके करवाओ टेस्ट, बिकॉज ये सच प्रूव नहीं है, ऐसा दावा करके बोला। मेरे प्रैक्टिस में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने कुछ बोला और वो हिंट नहीं हुआ, मतलब कितना वो कॉन्फिडेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग, आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट हिज प्रैक्टिस, आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट हिज एक्सपीरियंस एट ऑल, ही इज गुड। मैं उतना बोल रही हूँ, उनका कॉन्फिडेंस कितना है कि वो उनको जो हिंट मिला है वो सच है, मेरी मम्मी के पेट में ट्यूमर है, मतलब था, और जो प्रेयर की वजह से वो ए हो गया। थैंक यू सो मच टू अभेश तेजपाल जी कि आपकी वजह से मेरी मम्मी आज जीवित है। मेरी मम्मी को अभी तक मेरे पास मिलता है मुझे, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ यू। एंड सेकेंड थिंग, वो दिन के बाद मेरी फुल फैमिली जीसस क्राइस्ट का पूरा फॉलोअर बन गए, क्योंकि वो जो दिन था
मे बी मेरे मम्मी को खींचने के लिए, वो उनके किंगडम में वेलकम करवाने के लिए। तो यही था मेरा टेस्टिमनी। मेरे टेस्टिमनी और भी है पर ये बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और सीरियसली आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू जीसस क्राइस्ट एंड सेकेंड वन फादर अभय सचपाल जी। थैंक यू सो मच।